भगवान शंकराचार्य। आदि शंकर जी भारत के एक महान दार्शनिक एवं धर्म प्रवर्तक थे। उन्होंने अद्वैत वेदांत को ठोस आधार प्रदान किया। उन्होंने सनातन धर्म की विविध विचारधाराओं का एकीकरण किया। उपनिषदों और वेदांत सूत्रों पर लिखे हुए इनके अलौकिक भाष्य बहुत प्रसिद्ध हैं। इन्होंने भारतवर्ष में 4 मठों की स्थापना की थी, जो अभी तक बहुत प्रसिद्ध और पवित्र माने जाते हैं और जिन पर आसीन सन्यासी शंकराचार्य कहे जाते हैं। वे चारों स्थान ये हैं: ज्योतिष पीठ बद्रिकाश्रम, श्रृंगेरी पीठ, द्वारिका शारदा पीठ और पूरी गोवर्धन पीठ। वे भगवान शंकर के अवतार माने जाते हैं। इन्होंने गीता तथा ब्रह्म सूत्रों की बड़ी ही विशद और रोचक व्याख्या की है। इन्होंने ईश, केन, कट, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐतरेय, तैत्तरीय, बृहदारण्यक और छांदोग्योपनिषद पर भाष्य लिखा। उस समय वेदों की समझ के बारे में मतभेद होने पर उत्पन्न चार्वाक, जैन और बौद्ध मतों को उन्होंने शास्त्रार्थों द्वारा खंडित किया और भारत में 4 कोनों पर ज्योति, गोवर्धन, श्रृंगेरी एवं द्वारिका आदि 4 मठों की स्थापना की। पहला वेदांत मठ, जिसे वेदांत ज्ञान मठ भी कहा जाता है, जो कि सबसे पहला मठ था और इसे श्रृंगेरी रामेश्वर अर्थात दक्षिण भारत में स्थापित किया गया। दूसरा गोवर्धन मठ, गोवर्धन मठ जो कि दूसरा मठ था, जिसे जगन्नाथपुरी अर्थात पूर्वी भारत में स्थापित किया गया। तीसरा शारदा मठ, जिसे शारदा या कलिका मठ भी कहा जाता है, जो कि तीसरा मठ था, जिसे द्वारिकाधीश अर्थात पश्चिम भारत में स्थापित किया गया। ज्योतिपीठ मठ चौथा, ज्योतिपीठ मठ जिसे बद्रिकाश्रम भी कहा जाता है, जो कि चौथा और अंतिम मठ था, जिसे बद्रीनाथ अर्थात उत्तर भारत में स्थापित किया गया। जीवन चरित, जन्म 788 ईस्वी, मृत्यु 820 ईस्वी। जन्मस्थान केरल के कालरी ग्राम। पिता शिवागुरु, माता आर्यम्बा। जाति नामबुद्री ब्राह्मण। गुरु गोविंदा भागवत पद। शंकर आचार्य का जन्म 788 ईस्वी में केरल के कालरी अथवा काशल नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम शिवगुरु भट्ट और माता का नाम आर्यम्बा था। बहुत दिन तक सपत्नी शिव की आराधना करने के अनंतर शिवगुरु ने पुत्र रत्न पाया था, अतः उसका नाम शंकर रखा। जब वे 3 वर्ष के ही थे, तब इनके पिता का देहांत हो गया। वे बड़े ही मेधावी तथा प्रतिभाशाली थे। 6 वर्ष की अवस्था में ही ये प्रकांड पंडित हो गए थे और 8 वर्ष की अवस्था में इन्होंने संन्यास ग्रहण किया था। इनके संन्यास ग्रहण करने के समय की कथा बड़ी विचित्र है। कहते हैं माता एकमात्र पुत्र को सन्यासी बनने की आज्ञा नहीं दे रही थी। तब एक दिन नदी किनारे एक मगरमच्छ ने शंकराचार्य जी का पैर पकड़ लिया। तब इस वक्त का फायदा उठाते हुए वो शंकराचार्य जी ने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे सन्यास लेने की आज्ञा दो, नहीं तो ये मगरमच्छ मुझे खा जाएगी। इससे भयभीत होकर माता ने तुरंत इन्हें सन्यासी होने की आज्ञा प्रदान की। और आश्चर्य की बात है कि जैसे ही माता ने आज्ञा दी, वैसे ही तुरंत मगरमच्छ ने शंकराचार्य जी का पैर छोड़ दिया और इन्होंने गोविंदपाद से सन्यास ग्रहण किया। पहले वे कुछ दिनों तक काशी में रहे और तब इन्होंने विजिल बिंदु के तालवन में मंडन मिश्र को सपत्निक शास्त्रार्थ में परास्त किया। 32 वर्ष की अल्प आयु में सन 820 ईस्वी में केदारनाथ के समीप वे स्वर्गवासी हुए। तिथियां, आदि गुरु शंकराचार्य का जन्म केरल के कालरी नामक ग्राम में हुआ था। वो अपने ब्राह्मण माता पिता के एकमात्र संतान थे।
बचपन में ही उनके पिता का देहांत हो गया। शंकर की रुचि आरंभ से ही सन्यास की तरफ थी। अल्पायु में ही आग्रह करके माता से सन्यास लेने की अनुमति लेकर गुरु की खोज में वो निकल पड़े। वेदांत के गुरु गोविंद पाद से ज्ञान प्राप्त करने के बाद उन्होंने सारे देश का भ्रमण किया। मिथिला के प्रमुख विद्वान मंडन मिश्र को शास्त्रार्थ में हराया, परंतु मंडन मिश्र की पत्नी भारती के द्वारा पराजित हुए। दोबारा फिर रति विज्ञान में पारंगत होकर भारती को उन्होंने पराजित किया। मात्र 32 वर्ष की अल्पायु में पवित्र केदारनाथ धाम में उन्होंने शरीर त्याग दिया। सारे देश में शंकराचार्य को सम्मान सहित आदि गुरु के नाम से जाना जाता है। जीवन, एक सन्यासी बालक जिसकी आयु मात्र 7 वर्ष की थी, गुरु गृह के नियमानुसार एक ब्राह्मण के घर पर भिक्षा मांगने पहुंचा। उस ब्राह्मण के घर में भिक्षा देने के लिए अन्न का दाना तक न था। ब्राह्मण पत्नी ने उस बालक के हाथ पर एक आंवला रखा और रोते हुए अपनी विपन्नता का वर्णन किया। उसकी ऐसी अवस्था देखकर उस प्रेम दया मूर्ति बालक का हृदय द्रवित हो उठा। वह अत्यंत आर्द्र स्वर में मां लक्ष्मी का स्तोत्र रचकर उस परम करुणामयी से निर्धन ब्राह्मण की विपता हरने की प्रार्थना करने लगा। उसकी प्रार्थना पर प्रसन्न होकर मां महालक्ष्मी ने उस परम निर्धन ब्राह्मण के घर में सोने के आंवलों की वर्षा कर दी। जगत जननी महालक्ष्मी को प्रसन्न होकर उस ब्राह्मण परिवार की दरिद्रता दूर करने वाला दक्षिण के कालाड़ी ग्राम में जन्मा वो बालक था शंकर, जो आगे चलकर जगत गुरु शंकराचार्य के नाम से विख्यात हुआ। इस महाज्ञानी शक्तिपुंज बालक के रूप में स्वयं भगवान शंकर ही इस धरती पर अवतीर्ण हुए थे। वे केरल से लंबी पद यात्रा करके नर्मदा नदी के तट पर स्थित ओंकारनाथ पहुंचे। वहां गुरु गोविंद पाद से योग शिक्षा तथा अद्वैत ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने लगे। 3 वर्ष तक आचार्य शंकर अद्वैत तत्व की साधना करते रहे। तत्पश्चात गुरु आज्ञा से वे काशी विश्वनाथ जी के दर्शन के लिए निकल पड़े। जब वे काशी जा रहे थे कि एक चंडाल उनकी राह में आ गया। उन्होंने क्रोधित हो चंडाल को वहां से हट जाने के लिए कहा, तो चंडाल बोला, हे मुनि, आप शरीर में रहने वाले एक परमात्मा की उपेक्षा कर रहे हैं, इसलिए आप अब्राह्मण हैं, अतएव मेरे मार्ग से आप हट जाए। चांडाल की देववाणी सुनकर आचार्य शंकर ने अति प्रभावित होकर कहा, आपने मुझे ज्ञान दिया है, अतः आप मेरे गुरु हुए। यह कहकर आचार्य शंकर ने उन्हें प्रणाम किया, तो चंडाल के स्थान पर शिवजी तथा 4 देवों के उन्हें दर्शन हुए। काशी में कुछ दिन रहने के उपरांत वे महाश्मति नगरी में आचार्य मंडन मिश्र से मिलने गए। आचार्य मिश्र के घर जो पालतू मैना थी, वो भी वेद मंत्रों का उच्चारण करती थी। मिश्र जी के घर जाकर आचार्य शंकर ने उन्हें शास्त्रार्थ में हरा दिया। पति आचार्य मिश्र को हारता देख पत्नी आचार्य शंकर से बोली, महात्मन, अभी आपने आधे ही अंग को जीता है। अपनी युक्तियों से मुझे पराजित करके ही आप विजयी कहला सकेंगे। तब मिश्र जी की पत्नी भारती ने काम शास्त्र पर प्रश्न करने प्रारंभ किए, किंतु आचार्य शंकर तो बाल ब्रह्मचारी थे, अतः काम से संबंधित उनके प्रश्नों के उत्तर कहां से देते। इस पर उन्होंने भारती देवी से कुछ दिनों का समय मांगा तथा परकाया में प्रवेश कर उस विषय की सारी जानकारी प्राप्त की। इसके बाद आचार्य शंकर ने भारती को भी शास्त्रार्थ में हरा दिया। भगवान शंकराचार्य जी की जय।